छत्रपति शिवाजी महाराज जी का चरण वंदन करते हुए मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूँ कि आज से मैं कभी भी माँ बहन की गाली नहीं दूंगा और मुंबई पुलिस को ये विनंती करता हूँ कि वे भी ना दे। ये केवल कुछ लाइनें नहीं है, ये बदलाव की मांग है जो 29 मार्च 2022 को समता नगर पुलिस स्टेशन में रखी गई थी मेरे पिता द्वारा उनके साथ की गई अन्याय के लिए। 29 मार्च को मेरे पिता समता नगर पुलिस स्टेशन में पासपोर्ट के लिए गए थे। 1.5 महीने से वो समता नगर पुलिस स्टेशन की चक्कर काट रहे थे पासपोर्ट के लिए। जब 29 मार्च को भी उन्हें पासपोर्ट देने से मना किया गया, उनका पासपोर्ट रुकाया गया बिना किसी वजह के, जबकि उन्होंने सारे प्रूफ दिए थे, मेरे पिता के पास और कोई चारा नहीं था। तब उन्होंने निर्धार किया जब तक उन्हें अपना पासपोर्ट नहीं दिया जाएगा वो वहां से हिलेंगे नहीं। ये निर्धार उन्होंने किया और ये अपने फैमिली को बताने के लिए उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया, वो पुलिस वालों ने उनका फोन छीन के उसको दीवार पे पटका और मेरे पिता को उनके कॉलर से जबरदस्ती उठाने की कोशिश की, और इसी जबरदस्ती में मेरे पिता का कॉलर फट गया क्योंकि वे मेरे पिता का भार नहीं उठा पाए। जब वे मेरे पिता को उठाने में नाकामयाब रहे, तब उन्होंने मेरे पिता को सर के बल किया, उनके पीठ पर अपने घुटनों से मारा है, कहते हुए भी घुटन हो रही है, और उन्होंने मेरे पिता के बाल से पकड़ के उन्हें जानवरों की तरह सीढ़ियों से घसीटते हुए पुलिस स्टेशन के अंदर लेके उन्हें कोने में फेंका है। वही नहीं रोका, उन्होंने उन्हें माँ बहन की गाली देना शुरू किया। इस अन्याय के लिए मेरे पिता ने उनके सजा की मांग नहीं की, उनके सस्पेंशन की मांग नहीं की, उनके माफी की मांग नहीं की। उनकी मांग थी बदलाव की मांग, कि ये किसी और के साथ कभी ना हों। ये मांग हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। मेरे पिता के साथ जो अन्याय हुआ, उन्होंने वो अन्याय देश को समर्पित करते हुए बदलाव की मांग रखी कि ये किसी और के साथ ना हों। ये आम आदमी के साथ हो रही अन्याय की बात थी, ये उस वर्दी का अपमान हो रहा था। अगर हमारे आरक्षक ही स्त्री निंदा करने लगे, माँ बहन की गाली देने लगे, तो इस देश का उद्धार नहीं होगा, इस देश में औरत सुरक्षित नहीं होंगे, और ये रुकना जरूरी है और हम ही ये रोक सकते हैं। इस वीडियो का उद्देश्य केवल यही था कि सभी लोग इस तरह का अन्याय अपने साथ ना होने दे, इस बदले की भावना अपने में लाए और ये जानकारी पहुंचाना था, ना कि उन पुलिस ऑफिसर्स को हरास करना, धमकाना या थ्रेटन करना, ये बिल्कुल भी नहीं था। धन्यवाद। नमस्ते, मैं हूँ तत्परा हुरात्रा। अभी हम कांदिवली के समता नगर पुलिस स्टेशन में हैं। यहाँ पे पासपोर्ट के विषय के लिए मेरे पिता आए थे, इधर के चक्कर लगा रहे थे बहुत टाइम से, उन्होंने मना कर दिया
और उसके लिए मेरे डैड जब यहाँ मेरे पिता जब यहाँ पे स्ट्राइक के लिए बैठे, यहाँ के पुलिस के लोगों ने उन्हें कॉलर से पकड़ के खींच के पुलिस स्टेशन के अंदर लाके उनका शर्ट फट गया है, उनको माँ की गाली बोल रहे हैं, अंदर शूटिंग अलाउड नहीं है बोल रहे हैं। कॉमन मैन होने के वजह से इतना जो वो ऐसा सलूक कर रहे हैं हम पे। मेरी बहन है, उसको पासपोर्ट की ज़रूरत है, बिकॉज व्हाट आर दे डूइंग, क्या रीज़न होगा ऐसे कॉलर से पकड़ने के। मैं खुद का निकाल रही हूँ, मेरा यही हक है, ये मेरा मत निकालो। पुलिस स्टेशन में क्यों नहीं निकालूं, ये हमारा राइट है, अंदर थोड़ी निकाल रही हूँ। जो हो रहा है हमारे साथ वही बोल रही हूँ मैं, जो मेरे साथ हो रहा है पुलिस स्टेशन के अंदर। आप मेरे पिताजी को ऐसा, ये पुलिस स्टेशन ही है, आप पुलिस स्टेशन के बाहर शूटिंग करो, बट जहाँ हो रहा है वो करूंगी ना मैं। मैं इधर करी हूँ, आपने उधर मना किया अंदर करने से। ये पुलिस स्टेशन ही, वही बोल रहा हूँ आपसे, मैं जानती हूँ, बट मुझे बताना है क्या हो रहा है। दिस इज माय पावर, आप बताओ ना, माय ओनली पावर इज टू टेल पीपल क्या हो रहा है। आप लोग कैसे मना कर सकते हो मुझे खींचने से? वीडियो शूटिंग मत करो, वीडियो शूटिंग मैं अपना कर रही हूँ, बाहर जाके करो, आप बाहर जाके करो, बाहर रही हूँ मैं, अंदर नहीं कर, अंदर अंदर जो हो रहा है, गेट ये पुलिस का एरिया है, आप बाहर जाके करो। ऐसा कोई रूल नहीं है, मेरी बहन लॉयर है। पुलिस स्टेशन के अंदर वीडियो शूटिंग मत करो इधर। वीडियो शूटिंग मैं करूंगी, ये मेरा हक है। वीडियो शूटिंग मत करो आप इधर। मैं करूंगी वीडियो शूटिंग, ये मेरा हक है, आप मुझे मना नहीं कर सकते हो। आप लोग गलत नहीं कर सकते हो ऐसा, कॉलर से खींच के बिना, कोई क्रिमिनल नहीं है मेरे फादर। पासपोर्ट के लिए क्या केस है उनके खिलाफ, क्या केस है, क्या गलत किया है, क्या गलत किया मुझे बताइए, क्या गलत किया है? देशभक्ति गलत है, देशभक्ति गलत है। पेड़ों के लिए लड़ते मेरे फादर, पेड़ नहीं काटने के लिए लड़ते, वृक्ष रक्षा करते, स्त्री रक्षा करते, गौ रक्षा करते, देशभक्ति उनके लिए आप उनके साथ आप ऐसा कैसा कर सकते हो, उनके ऊपर हाथ कैसे उठा सकते हो? एक एक गुनाह बताइए क्या किया है उन्होंने गलत? लोगों के लिए लड़ते है वो, ऐसे हाथ कैसे उठा सकते हो आप? एक महीने से चक्कर लगा रहे हो इस पुलिस स्टेशन की, माँ की गाली देते हो, ये होता है पुलिस का हक? पुलिस बन के माँ की गाली दे सकते वक्त आप? क्या स्त्री रक्षा करोगे आप लोग? उनको घसीट के लिए क्या है पुलिस स्टेशन यहाँ पे अंदर? बाहर स्ट्राइक के लिए बैठे थे वो कि जब तक पासपोर्ट नहीं मिलेगा मैं नहीं जाऊँगा। कुछ गलत नहीं किया है, कुछ गलत नहीं किया है उन्होंने, उसके लिए बैठे थे जब तक पासपोर्ट नहीं मिलेगा नहीं जाऊंगा। मेरी छोटी बहन है, उसका एग्जाम है, उसके लिए पासपोर्ट की जरूरत है हम लोग को। जानवर की तरह खींच के लाया उन्हें अंदर, शूटिंग बोल रहे अलाउड नहीं है, ये मेरा हक है, मैं शूट करूंगी। ये है समता नगर पुलिस स्टेशन कांदिवली का। पासपोर्ट के लिए इतना सता रहे, क्या क्रिमिनल किया है, क्या क्रिमिनल हुआ मुझे बताने दो, क्या गलत किया है उन्होंने, किसको हर्ट किया है मुझे बताइए, आप आंसर कीजिए किसको हर्ट किया है। मैं अंदर नहीं शूट कर रही हूँ, मैं अंदर नहीं शूट कर रही हूँ। आप सर का परमिशन लिया इधर लेने? इधर परमिशन की जरूरत नहीं है, अंदर अंदर नहीं किया आपने बोला, इधर परमिशन की जरूरत नहीं है। आप फोन चला नहीं सकते हो, एक्सक्यूज मी, या मोबाईलमध्ये व्हिडिओ आहे ते डिलीट करायचं।